Tasty. Whoa. Headage pull. मैं जिस वक्त घर से निकला था काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, मतलब इतनी ज़्यादा थी कि आई वाज रिग्रेटिंग मैंने और ज़्यादा लेयर्स क्यों नहीं पहने। मुझे मेरे घुटने फील नहीं हो रहे थे, वैसे हो तो अभी भी नहीं रहे। वैसे घुटने फील होते कैसे पता नहीं। एक सेकंड। ओके सो हैव एवरीवन, वेलकम बैक टू अ वीडियो इन अ लॉन्ग व्हाइल। फाइनली माय साइकिल इज फिक्स्ड, द ब्रेक्स आर वर्किंग अगेन। आज मैंने सोचा थोड़ी लंबी राइड करता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी राइड्स की है वो 15 से 20 किलोमीटर की रही है शायद से। तो आज के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी लंबी राइड करूँ। तो मैं जा रहा हूँ, वैसे मेरे घर के साथ उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड अटाल। तो मुझे उस अटाल तक जाना है, क्योंकि वहाँ पे अपेरेंटली बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं। तो यार मेरी जो पूरी राइड का पर्पज़ है वो है कि मैंने वहाँ जाके मोमोज खाने हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने अपना जैकेट उतार दिया। जहाँ जहाँ धूप है वहाँ वहाँ गर्मी है, और जहाँ जहाँ छाया पड़ रही है वहाँ ठंडी, भयंकर ही ठंड है। अरे बहुत धूप चाहिए ना मेरे को, ठंडा लगता। यहाँ बीच में नदी है, और जो पार वाली साइड है उस साइड रोड नहीं है। तो ये जो स्पैन है, सामान इसमें ले जाते हैं यहाँ से यार पार, जैसे कि ये रेता, ये स्पैन में जाएगा यहाँ से पार। ये जो सामने वाली चोटी है जो लास्ट में है, ये वाली उत्तराखंड में पड़ती है। हेडेज 2 किलोमीटर। मेरे को एक ऐसी झन्न सी एक इंस्टेंट सी फीलिंग आई कि मैंने जैकेट उतार के थोड़ी गलती कर दी, क्योंकि बीच में मेरा बॉडी का टेम्परेचर एकदम से उतार चढ़ाव होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने वैसे दोबारा पहन लिया है, लेट्स होप के मेरे को अब बुखार ना आ जाए। Always remember one thing, never to trust 08 drivers. HP 08. We're off for a long while. Hello, this is Firij. यहाँ से हार्डकोटी है 58 किलोमीटर्स। आई मीन 58 ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए इट्स ऑलमोस्ट 12। अगर मैं 5 घंटे लगा के चलूँ, मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो कर ही सकता हूँ। 6 घंटे लग जाएंगे उस हिसाब से मेरे को हार्डकोटी पहुँचने में। 6 का मतलब मैं शाम को 6 बजे अंधेरे में पहुँचूँगा, अगर मैं यहाँ से, मेरा मूड बनता है कि मैं यहाँ से जुब्बल निकल जाऊँ। बन नहीं रहा फिलहाल ऐसा मूड कोई, क्योंकि मेरे पास कपड़े भी नहीं है, और जुब्बल की ठंड में ऐसा नंगा मर जाऊँगा मैं। लास्ट टाइम जब मैं इस रूट पर आया था उस टाइम मैं गाड़ी में जा रहा था। ये जो सामने वाला ब्रिज है ना, अब तो पूरा बन गया है, लेकिन उस टाइम भी ऑलमोस्ट ये बन गया था, कहीं लास्ट में पहुँचा था और ये पूरा लटक गया था। मेरे को तो अभी भी देख ऐसा स्केची जैसा लग रहा है। वेल आई डोंट नो व्हाट द इंजीनियर्स हियर स्मोक। और जो अटाल है वो है इट्स जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर। यहाँ पे कुछ लोकल लौंडे बैठे हुए थे, आई एस एम कि वो कितना दूर है अटाल, कहते 3 किलोमीटर। मोमोज बस यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन उन्होंने हंसते हुए ये भी बोला नहीं रे भाई यहाँ तक तो उतरा ही है, यहाँ से परे को लगेगा पता।
जो कि कटु सत्य है। यहाँ से मसूरी देहरादून इट्स नियरली आई गेस 5 or 6 hours ड्राइव, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे या 6 घंटे, बढ़िया यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सो इट्स लाइक आई हैव एंटर्ड, मैं इस टाइम उत्तराखंड में हूँ, ऐसे आई एम नॉट इन हिमाचल एनी मोर। भाई मोमोस है, फ्राइड हो जाएंगे, पैक कर दो एक प्लेट का। हाँ मैंने मोमोज जो है पैक करवा लिए और यहाँ से मैं वापस की ओर चल दिया हूँ। बस मेरा ऑलमोस्ट लाइक 70% आई वाज थिंकिंग कि मैं यहाँ से जुब्बल की ओर ही चला जाता हूँ, लाइक इट्स 50 किलोमीटर्स, पूरा हटकोटी तक यहाँ से 50 किलोमीटर है, और उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 4 घंटे आएंगे, 4 घंटे तो लग ही जाते हैं जिस हिसाब से मेरा स्टैमिना है, और क्योंकि रोड सीधा सीधा है और बीच में थोड़ी उतराई चढ़ाई शायद आ ही जाती है, लेकिन फिर मेरे को याद आया कल या परसों शायद कहीं जाना है तो उस करके मैं नहीं गया। वैसे मैंने अपना मन बना लिया है कि एक बार तो मैं यहाँ से निरवा से लेकर जुब्बल तक साइकिल पर जाऊँगा। वी आर ऑन आवर वे बैक एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्रूशिएटिंग, especially when the stamina is lull. मैं सोच रहा था क्या चौपाल की ओर जाऊंगा, अच्छा हुआ नहीं गया, मर जाता बीच रोड में, फेफड़े आ जाते बाहर सड़क पे, और बल्कि इतना स्टीप भी नहीं है ये, और ऐसा ही है पूरा घर तक। अरे ज़रा नज़र तो लगाइए, ये तो बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई होगी। ये वाले पहाड़ यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गए, जस्ट डजंट फील लाइक इन द प्लेस। ऐसे वाले पहाड़ 10,000 फीट से ऊपर की हाइट पे मिलते हैं, खासकर अगर रोडू वाली साइड पे जाओ, चंदरनान वाली साइड। मूविंग ऑनवर्ड्स, आई डोंट हैव मच स्टैमिना लेफ्ट। तो आज मैं साइकिल पे काफ़ी टाइम बाद बैठा हूँ और पहली बार मैं इतना लंबे स्पिन पे गया, और इतने ब्रेक के बाद पहली बारी में मैं पहली बार इतने लंबे स्पिन पे गया और मैंने अपने पैडेड शॉर्ट्स नहीं पहने, और इस पॉइंट पे जो मेरे चूतड़ों में दर्द हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता मैं यहाँ से आके साइकिल कैसे ले कर जाऊँगा, मैं इस पर बैठ नहीं सकता ना, और मैं तो भूल ही गया था कि बैग में मोमोज है, वही बैठ के खाते हैं, इतना ही आनंद बचा है जिंदगी में। दीज आर सो गुड,
Maybe because I'm tired. कसम से ये खा के ऐसा लग रहा है कि जान में जान आई है. ऑल दो मैं इसको ऑलमोस्ट अब एक घंटे बाद खा रहा हूँ, तो इसका जो चूँकि इस पर वो क्रंची होता है, वो क्रिस्पीनेस होती है, वो ख़त्म हो चुकी है. लाजवाब मोमोज खा के आई एम डन. अब मैं चल दिया हूँ घर की ओर, चल दिया ऑफिस की. मेरे को लाइक साइकिल ऐसा चला के ले जानी पड़ेगी पैदल, क्योंकि माय आस कांट टेक इट एनी मोर. दे कट डाउन माय फेवरेट ट्री. आई फोटोग्राफ्ड इट वंस, आई वांटेड टू फोटोग्राफ इट मोर, बट नाउ इट्स गॉन. वैसे मेरे जितने बेवकूफ़ तो लोग होंगे नहीं, लेकिन तब भी अगर ऐसा एडवाइस दे देता हूँ मेरी तरह, अगर कभी ऐसा थोड़ा लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो मेरी तरह बेवकूफ़ की तरह मत निकलना. आई मीन जो पैडेड चढ़ियाँ हैं ना, दे आर देयर फॉर अ रीज़न. वो पहन के चलना, नहीं तो मेरी तरह छल्ले पड़ जाएंगे पीछे. खैर क्या कर सकते, मैं ऐसा कि सीट के लेता जा रहा हूँ, बीच में कहीं हिम्मत हो रही है तो चला भी रहा हूँ. रोते गिरते पड़ते घर पहुँच जाऊँगा, तब की तब देखते हैं. अभी मैं ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गया हूँ, जगह का नाम है राणा क्यार. तो उठने की हिम्मत नहीं हो रही अब मेरी. आज का दिन मेरे को पूरे हफ्ते भर याद रहने वाला है, उठते और बैठते. गए थे भैया साइकिल चलाने, एक्सपीरियंस लेने गए थे, ले लिया एक्सपीरियंस, आया मज़ा, पड़ गए छाले. ऑटम फोलीज दिख रही पीछे, प्यारी प्यारी सी. तो मेरे को लग रहा आज की वीडियो के लिए इतना बहुत. ठीक है फिर यहीं पे करते इसको ख़त्म, मिलता फिर मैं अगली वीडियो में. अगली वीडियो में देखता हूँ, तैयार होके जाऊँगा, थोड़ा प्रिपेयर होके ना अच्छे से, ताकि ऐसे बीच में गुड़ वो पर ना हो जाए. मिलते हैं फिर उसमें, तब के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.